क्या बुरा किया है आपके साथ जो आप... तुम्हारी छोटी बहन है, तुमने उसी का दिल दुखा दिया। मैंने यहाँ बैठ के रोने के बजाय अगर आप ही जिस बहन ने आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दिया, अब्बी के सामने मेरी उल्टी सीधी शिकायतें लगाएं। वो छोटी बहन को बड़ी बहू के रूप में बर्दाश्त नहीं करती। अभी को एहसास दिलाए कि आप इस घर की बड़ी बहू, आपकी वाकई मेरी देवरानी ही बन गई है। बीना अपने अब्बी से मिलने जाएगी, जब वो उसे समझाएंगे कि तुम्हारी बहन रूही ने कभी तुम्हें अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि बिल्कुल अपनी बच्ची समझा। उसने कभी तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं आने दिया और तुमने उसी का दिल दुखा दिया। उन्हें तो यही लगता है कि रूही को उसकी वजह से ससुराल में बातें सुननी पड़ रही हैं। बीना को तो यकीन ही नहीं आएगा कि उसकी आपी ने अब्बी से उसकी शिकायतें की हैं। वो रोती हुई सीधी रूही के पास जाएगी और उससे पूछेगी कि मैं आपने अब्बी से मेरे बारे में क्या क्या कहा है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। दूसरी जानिब फरहान नुकसाना पर दबाव डाल रहा है कि वो हर हाल में अन्नू से शादी करेगा और वो अन्नू का रिश्ता लेकर जाए, लेकिन नुकसाना किसी भी हाल में उसका रिश्ता लेकर जाने का इरादा नहीं रखती और वो फरहान को किसी तरह टालने का सोच रही हैं। यहाँ अन्नू और फरीदा बेगम का खेल भी जारी है। बीना के दिल में नफरत का बीज तो डाल ही दिया है। दोनों बहनों में झगड़ा करवाने के बाद अन्नू जाकर बीना से कहेगी कि रूही आपसे जेलिस हो रही है, वो छोटी बहन को बड़ी बहू के रूप में कबूल नहीं कर पा रही। अन्नू से ये भी समझा देगी कि आप उसे बता दें कि आप इस घर की बड़ी बहू भी हैं और उसकी जेठानी भी। जबकि फरीदा बेगम बार बार रूही को ये तलकीन कर रही हैं कि वो बड़ी बहन है, इसलिए उसे चाहिए कि बीना को समझाए, उसे गाइड करे। दोस्तों, रूही ने हमेशा बीना के नाज नखरे और खर्चे उठाए हैं। अब अचानक पैसों के लिए बीना पर डिपेंड करना उसे परेशान कर रहा है, लेकिन बीना के दिल में तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।